बैठिए सुनने की क्षमता रखो, पाप किया है तो लेकिन आप बैठिए, पाप किया सुनने की क्षमता रखो, बैठिए पहले। जिन्होंने चोरी की है ईडी भी आएगी, एसीबी भी केयर, मौका पड़ेगा तो सीबीआई में इनको जेल डालेंगे, आखिरी स्थान पे ले जाएंगे, 33वें स्थान पे बैठिए। ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। सुनो ये पाप, सुनो पाप, ये आपके पाप सुनो पहले। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि लोग पैसे लगा के प्याव लगाते हैं अपना पुण्य करने के लिए। इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, जनता का पैसे को इतना लूटा है कि आज जिस जगह पे हम जाते हैं उस जगह पे न तो पाइपलाइन कहीं एक फीट पे पड़ी है, कहीं पे उसका सिर्फ पानी कहाँ से आएगा, क्या योजना है। सिर्फ इन्होंने ये देखा कौन से डिवीजन के अंदर कितना बजट मिलेगा, उस बजट में महीने चेक काटे और फिर दूसरे में चले जाते थे, और जब बैन लग जाता तो एपीओ का सिस्टम चालू कर दिया, इसको एपीओ करके उस पर लगा दो, सिर्फ लूटने का काम किया। और सबसे बड़ा ये हुआ, आज राज्य सरकार का राजांश इन्होंने कौन सी योजना में दिया, केंद्र सरकार का पूरा बजट कर लिया। इससे भी बड़ा काम इन्होंने किया केवल वाई लूटने के लिए, मार्च 2019 में इन्होंने हम 10% हिस्सा नहीं लेंगे तो कोई बजट या प्रावधान नहीं किया। 2500 करोड़ रुपए का वो बजट ये सरकार को भुगतना पड़ेगा, कैसे कहाँ से व्यवस्था होगी। इन्होंने सिर्फ जो भी, मैं इतना कहना चाहता हूँ सुनो बैठिए ये जो उत्तर आ रहा है अभी ईडीआई है, बैठिए सुनने की क्षमता रखो, पाप किया है तो आप बैठिए, पाप किया सुनने की क्षमता रखो, बैठिए पहले। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण योजना पानी पिलाने की, महत्वपूर्ण योजना राजस्थान में पानी की, मुझे पता है क्या है, प्रश्न का उत्तर आ गया। हम कंपनियों को इन्होंने टेंडर दिए, मंत्री जी प्रश्न का उत्तर है, हम माननीय सदस्य विभाग के अधिकारियों के उत्तर सुनिए, हमारे सेक्रेटरी के द्वारा टास्क फोर्स जुटा के इन चोरों को जिन्होंने चोरी की है ईडी भी आएगी, एसीबी भी केयर, मौका पड़ेगा तो सीबीआई में इनको जेल डालेंगे, और जिन ठेकेदारों ने घोटाला किया उनको ब्लैकलिस्टेड करके उनसे रिकवरी करेंगे। आपको सदन को आश्वस्त कर देंगे इसको सुधार कर रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न माननीय श्री गांधी प्रसाद, श्री गांधी संख्या 28। आपको प्रश्न का उत्तर, प्रश्नकर्ता और उत्तर मंत्री जी, किसी तीसरे को अनुमति नहीं है, व्यवस्था है नहीं है, अनुमति नहीं है, नहीं बोलेंगे। बैठिए, जाना हो जाइए, जाना हो तो जाइए, बोलने नहीं दूंगा प्रश्नकाल में नहीं दूंगा, हाँ मंत्री जी आप बोलिए, उत्तर दीजिए। गांधी प्रसाद आप बोलते रहिए, आरोप साइन करो, वो उनकी बात सुननी पड़ेगी, आपकी भी सुनेंगे। बैठिए। श्री कांति प्रसाद, पाप तो भुगतना पड़ेगा, कांति प्रसाद और सीना जोरी नहीं चलेगी, आप चोरों की पैरवी कर रहे हो, चोरों की संख्या कर रहे हो, सारा नाश कर रहे हो, बचाने का प्रयास कर रहे हो, महत्वपूर्ण योजना नाश किया आपको, प्रश्नकाल में नहीं, चोरों का बचाने का प्रयास कर रहे हो, चोर लूट लिया आपने, लूट लिया गरीबों को, सरकार राजस्थान को लूट लिया, चोरी और सीना चोरी नहीं चलेगी, माननीय सदस्य, माननीय विपक्षी नेता, इनको चोर मचाए, चोर प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए, चोर मचाए, चोर आपका रोल ही नहीं है। बैठिए, अपनी सीटों में जाइए, प्रश्नकाल में नहीं है, आरोप आपके राज्यपाल के अभिभाषण में बोलना, राज्यपाल के अभिभाषण पे बोलना, प्रश्नकाल है, आप नीचे उतरो, नहीं बात वहीं से कहिए, मैं सुन रहा हूँ, वहीं से कहिए, ये करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सदन में रहना, तो बात नियमों से होगी, ये नियम में नहीं है, प्रश्नकाल में हो गया, बात उत्तर आ गया, प्रश्नकाल में प्रश्न में ही आएंगे उत्तर, नहीं आज खड़े रहो, चलिए
अगला प्रश्न कांति प्रसाद किसका है? सुरेश रावत मुझे बोलिए। खंड एक पूरी राजस्थान जवाब आ गया। नहर परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली फीडर कैनाल से नजदीक के पुनर्निर्मित 26 बांधों में जल परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें थाना गांजी विधानसभा क्षेत्र में स्थित कोई बांध सम्मिलित नहीं है। जी हां, एआरसीपी की डीपीआर में सम्मिलित 26 बांधों के अतिरिक्त दौसा, सवाई मधुपुर, अलवर, कोहली, भरतपुर एवं अन्य जिलों के कुछ बांधों में भी जल भरे जाने हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है। जल उपलब्धता तकनीकी वित्तीय उद्योग के अनुसार अग्रिम कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है श्री हरिश्चंद मीणा। हरिश्चंद मीणा बोलिए। धन्यवाद सर। प्रश्न संख्या 29 बोलो आप, बोलो ना आप। 2023 को मालपुरा, सुजानगढ़ व सुजामन सिटी को नवीन जिला बनाने की घोषणा की गई। इस संबंध में मंत्री उत्तर दे रहा है। क्रमांक 250/223 दिनांक 7/10/2023 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा इन जिलों का क्षेत्राधिकार निर्धारण कर राज्य सरकार को अनुशंसा प्रदान करने हेतु उच्च स्तरीय समिति को निर्देशित किया गया। मंत्रिमंडल आज्ञा की प्रति परिशिष्ट एक पर सलिख ने इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने से राजस्व विभाग द्वारा घोषित जिलों के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उक्त घोषित जिलों के गठन सीमांकन करने अथवा नहीं के संबंध में उच्च स्तर पर विचार विमर्श किया जाने उपरांत ही निर्णय लिया जाना संभव है। प्रशासनिक सुधार विभाग के मंत्री जी बोल रहे हैं। दिनांक 17/12/2023 चुप मेरा सवाल है भाई के अनुसरण में आप अपने संभालो अपने मेरा सवाल है सर देख लिया क्रमांक पूर्ण जवाब है आप ऐसे देते थे राजस्थान 1/222 दिनांक 18/12/2023 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को समाप्त किया जा चुका है। अध्यक्ष जी मेरा सवाल है। हाँ बोलिए सर। सर मंत्री जी ने जवाब दिया है उक्त घोषित जिलों का गठन एवं सीमांकन करने के बारे में उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। मेरा सरकार से अनुरोध है सर जब इनका आप विचार करें। मेरी विधानसभा में देवली है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि देवली को भी जिला बनाने पे विचार करें। धन्यवाद। नेता बोलेगा आपका विपक्ष का नेता बोलेगा बोले माननीय मंत्री जी। मंत्री जी जवाब दें देवली के लिए। देवली को जिला बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? प्रस्तावित नहीं आपके तो उच्च स्तरीय जो समिति बनाई थी उसको भंग कर दिया गया है। नए जिलों के संबंध में अभी तक कोई विचार नहीं है। जब आप दोबारा विचार करें तो देवली को भी कृपया उसमें शामिल करें, उस पर भी विचार करें। मेरा आपसे अनुरोध है अभी इस संबंध में विचार करना बाकी है। धन्यवाद महोदय। क्रमांक 30 श्री प्रताप सिंह सिंघवी। प्रताप सिंह सिंघवी आगे से नहीं आते हैं। प्रताप सिंह सिंघवी प्रश्न क्रमांक 30। प्रताप सिंह सिंघवी आपका प्रश्न है। प्रताप सिंह सिंघवी अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 31 श्री राम निवास गावड़िया। श्री राम निवास गावड़िया श्री डूंगराराम गेदर प्रश्न काल समाप्त।